अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां कनाड़िया बाईपास पर सोमवार सुबह इंडेक्स कॉलेज की बस ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। इसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि दोनों अपने घर से काम पर जाने के लिए निकले थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उन्हें ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी और कई फीट तक बाइक सहित घसीटते हुए ले गई। पुलिस ने बस जब्त कर ली है। हादसे के बाद चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। कनाडिया पुलिस के मुताबिक घटना अर्बन टाउनशिप के पास SR रिसोर्ट के सामने की है। यहां बाइक से जा रहे दीपक पुत्र मोतीराम पटेल निवासी निपनिया और उसका साथी सुरेंद्र पुत्र बहादुर लोधी बाइक से प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्डिंग की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही इंडेक्स कॉलेज की तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि दीपक के शरीर के टुकड़े सड़क पर कई फीट तक बिखर गए। वहीं सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एम्बुलेंस भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के दौरान दीपक बाइक सहित बस के नीचे में फंस गया था, जिसमें वह कई फीट तक घिसटते चला गया। वहीं सुरेंद्र टक्कर के बाद सड़क किनारे गिर गया था, लेकिन उसके सिर और मुंह में गंभीर चोट आई थी। दोनों प्रधानमंत्री आवास बिल्डिंग में काम करते थे और सुबह काम के लिए कमरे से निकले थे। पुलिस के मुताबिक दीपक और सुरेंद्र मूल रूप से सागर के हनोताबाड़ी ग्राम के रहने वाले हैं। यहाँ काम के सिलसिले में कुछ साल पहले आए थे। दीपक के परिवार में उसके दो बड़े भाई हैं और गुम्मटगिरी इलाके में रहकर की मकान निर्माण से जुड़ा काम करते हैं। वहीं सुरेंद्र का छोटा भाई पीथमपुर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। दोनों के माता पिता हनोताबाड़ी गांव में ही रहते हैं। पुलिस के मुताबिक सूचना के बाद परिजन गांव से इंदौर के लिए रवाना हुए हैं। इंदौर के विजयनगर इलाके में भी बाइक का टायर फटने के चलते एक बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना सत्यसाई चौराहे के पास की है। यहाँ अमित लोधी निवासी राव खेड़ी मांगलिया रात में बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी उसकी बाइक का टायर अचानक फट गया। संतुलन बिगड़ने से बाइक सहित अमित डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसे उपचार के लिए एम्बुलेंस ले जाया गया। यहाँ देर रात उसने दम तोड़ दिया। अमित के परिवार में उसके दो बच्चे और पत्नी है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।